नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मसूरी यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा, जैसे मसूरी कैसे पहुंचे, होटल की जानकारी, खाने पीने की जानकारी, मसूरी में क्या है देखने के लिए, मसूरी कब जाएं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि मसूरी यात्रा की हर एक जानकारी आपको मिल सके। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सबसे ज़रूरी जानकारी दूंगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप ऐसे ही उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब शुरू करते हैं। मसूरी उत्तराखंड का सबसे फेमस और सुंदर पर्यटन स्थल है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 28 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ है। मसूरी के पहाड़ इतने खूबसूरत हैं जिसकी वजह से मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मसूरी तक कैसे पहुँचे। मसूरी पहुँचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। नंबर 1 ट्रेन, नंबर 2 बाय रोड, नंबर 3 बाय एयर। पहले बात करते हैं ट्रेन की। मसूरी के नज़दीक दो रेलवे स्टेशन हैं, देहरादून और ऋषिकेश। देहरादून स्टेशन से मसूरी लगभग 28 किलोमीटर, वहीं ऋषिकेश स्टेशन से मसूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही जगह से आपको कार मिल जाएगी। अगर आप देहरादून स्टेशन से कार बुक करते हैं तो लगभग 1600 रुपये में आप मसूरी आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ऋषिकेश स्टेशन से कार बुक करते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये देने होंगे। अगर आप ट्रेन से देहरादून स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर कार के साथ साथ आपके पास बस का सस्ता और अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप बस से लगभग 100 रुपये में मसूरी पहुंच जाएंगे। अगर आप रोड के द्वारा मसूरी पहुंचना चाहते हैं तो आपको देहरादून के लिए देश के कई शहरों से बस मिल जाएगी, फिर आप देहरादून से बस या कार से मसूरी पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट की। मसूरी के नज़दीक देहरादून का जॉली ग्रांड एयरपोर्ट है, जहां से मसूरी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से भी आपको कार मिल जाएगी जिसका किराया लगभग 2500 से 3000 रुपए होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मसूरी में कहां रुके। मसूरी में रुकने के लिए आपको हजारों की संख्या में होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रूम ले सकते हैं। रूम का प्राइस 600 रुपए से शुरू होता है, लेकिन न्यू ईयर और मई जून के महीने में रूम के प्राइस 2 गुने या 3 गुने भी हो जाते हैं। बाकी नॉर्मल समय में आपको 800 रुपए से 1000 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि रूम कहां पर लें। तो दो जगह आपके लिए बेस्ट होगी, एक माल रोड, दूसरा है गांधी चौक। दोनों ही जगह मसूरी के मेन पॉइंट हैं, जहाँ पर आपको कार बस की सुविधा के साथ साथ खाने पीने के अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन होता है जिस होटल में आप रुके हैं आप वहाँ से खाना ऑर्डर करें, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप मार्केट में जाकर खाएं। मैं आपको बता दूं, मसूरी में लगभग सभी होटल में रहने के साथ खाने की व्यवस्था रहती है। जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है वो ऑर्डर तो आपसे लेंगे, लेकिन खाना बाहर से मंगाते हैं जिसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि मार्केट में अच्छा रेस्टोरेंट देखें और जो आपका मन करे वही खाएँ। मसूरी में कुछ होटल ऐसे भी हैं जो आपको 150 रुपये पर थाली के अनुसार अच्छा भोजन देते हैं। गांधी चौक के पास आपको ऐसे होटल मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा ऑप्शन और भी होगा। मसूरी के स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस हैं, जिसमें चाउमीन, मैगी, मोमोज, ऐसे बहुत सारे आपको आइटम मिल जाएंगे, आप वो भी खा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मसूरी में कहां कहां घूमें। वैसे तो मसूरी में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं आपको 7 फेमस जगह के बारे में बताऊँगा जो मसूरी के बेस्ट प्लेस हैं। नंबर 1 केम्प्टी फॉल, एक प्राकृतिक और खूबसूरत झरना जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। केम्प्टी फॉल जाने के लिए गांधी चौक से जीप मिलती है, जिसका आने जाने का किराया लगभग 120 रुपये पर पर्सन होता है।
केम्प्टी फॉल पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 मीटर सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरना होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर रोपवे की सुविधा भी है। 150 रुपये में आप आराम से केम्प्टी फॉल तक पहुंच सकते हैं और उसके साथ साथ आप रोपवे के द्वारा ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप केम्प्टी फॉल के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो मैंने एक विस्तार से एक वीडियो बनाई है जिसमें हर एक विषय के बारे में बताया है, वो आप स्क्रीन में दिख रहे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मसूरी का जो बेस्ट दूसरा प्लेस है वो है कंपनी गार्डन। गांधी चौक से कंपनी गार्डन लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही सुंदर गार्डन है जहां बच्चे और बड़े बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहां पर बना वैक्स म्यूजियम देखने योग्य है जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी बनाए गए हैं। कंपनी गार्डन की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन में दिख रहे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने कंपनी गार्डन पे एक बड़ी वीडियो बना रखी है जिसमें हर एक विषय के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। मसूरी का जो थर्ड जो बेस्ट प्लेस है वो है जॉर्ज एवरेस्ट। मसूरी का सबसे बेस्ट प्लेस जहां से सनसेट के ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के बाद मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से सनसेट के इतने सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। इस जगह की वीडियो भी जल्द आने वाली है जिसमें मैं आपको हर एक दृश्य दिखाऊंगा। नंबर 4, मसूरी लेक। मसूरी का एक फेमस पर्यटन स्थल है जो कि मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके रास्ते में ही पड़ता है जब आप देहरादून से मसूरी जा रहे हों या वापस आ रहे हों। मसूरी लेक में 30 रुपये में 15 मिनट तक बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी इस लेक में मौजूद हैं जो बच्चे और बड़े कर सकते हैं। मसूरी लेक की पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन में दिख रहे आई बटन को क्लिक करें और देखें। नंबर 5, गन हिल। मसूरी के मेन मार्केट माल रोड के पास से गन हिल का रास्ता जाता है। रास्ता थोड़ा टफ है, आपको 500 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना होगा। यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है जो 125 रुपये में पर पर्सन आना और जाना किराया होता है। गन हिल से मसूरी के सुंदर नज़ारों के साथ हिमालय के अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी जनवरी के मौसम में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हो जाती है। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं और गन हिल के बारे में जानना चाहते हैं कि इस स्थान का नाम गन हिल कैसे पड़ा, तो स्क्रीन में दिख रहे आई बटन को क्लिक करें और देखें, उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। नंबर 6, संतुरा देवी मंदिर। इस मंदिर में जाना और माँ दुर्गा के दर्शन करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे इस मंदिर में बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप मसूरी से केम्प्टी फॉल के लिए जाते हैं तो उसी रास्ते में लगभग 7 किलोमीटर चलने पर माँ संतुरा देवी का मंदिर आता है। मंदिर ऊंचे पहाड़ों पर है जहां पर चढ़ाई चढ़ने में 20 मिनट का समय लग सकता है। मंदिर के आसपास के जो दृश्य हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। मंदिर में भीड़ कम रहती है जिसकी वजह से ध्यान और मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। अगर आप संतुरा देवी मंदिर की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे आई बटन को क्लिक करें और देखें, उस वीडियो में मैंने संतुरा देवी मंदिर की पूरी जानकारी दी है। दोस्तों, नंबर 7 जो बेस्ट प्लेस है मसूरी का वो है माल रोड। मसूरी जाएं और माल रोड ना घूमें फिर तो आपका सफ़र अधूरा है। शाम के समय में माल रोड की मार्केट खिल जाती है। माल रोड का स्ट्रीट फूड आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके साथ साथ शॉपिंग कर सकते हैं, गर्म कपड़े की बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। माल रोड से देहरादून के सुंदर नज़ारे भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दूंगा। अगर आप कम समय में ज़्यादा जगह घूमना चाहते हैं तो आप इन 7 स्थानों में उन स्थानों को सेलेक्ट करें जहां आपको जाना हो, फिर उसके बाद एक कार हायर कर सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। कार का चार्जेस 1500 रुपये से 2000 रुपये होता है। गन हिल और माल रोड तो आप पैदल जा सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के लिए शाम का समय सबसे अच्छा रहेगा। सनसेट से थोड़ा पहले पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप सनसेट के अच्छे दृश्य देख पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मसूरी कौन से महीने में जाना सबसे अच्छा रहेगा। वैसे तो मसूरी जाने के लिए मई और जून बेस्ट होता है, लेकिन मई और जून में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा भीड़, होटल के चार्जेस बढ़ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। अगर
आपके पास समय है तो आप अक्टूबर के महीने को सिलेक्ट करें। अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा होता है, उस समय आपको अच्छी सुविधा, अच्छे होटल, कम प्राइस में अच्छे होटल आपको आसानी से मिल जाएंगे और भीड़ भी कम होगी। वहीं अगर बात करें न्यू ईयर की, तो न्यू ईयर के समय भी मसूरी में बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है और होटल्स और जो खाने पीने के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मसूरी यात्रा की लगभग सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसूरी यात्रा की पूरी जानकारी मिल सके। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।